हे गाइस, क्या हाल है सबके। फिर से एक नई वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो होगी उसमें हम अनबॉक्स करने वाले हैं गिल्टी लॉन्गिनस। तो भाई ये है वो बेब्लेड जिसका आप सभी वेट कर रहे थे। तो भाई ये हमें भेजा है बेउस्तुति ने। तो भाई जाके इस बेब्लेड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके बाय कर सकते हो। भाई अमेजोन पे भी है ये, वहां से भी बाय कर सकते हो आराम से। कुछ 899 यानी कि 900 या 800 रुपये में मिल रहा है ये। इसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है, बट हाँ काफ़ी कम रेट में मिल रहा है भाई, तो सही है भाई। तो अभी इसको करते हैं ओपन, देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। बाकी मैंने इसको ओपन कर रखा है और भाई ये इसका ये मिलता है लॉन्चर, और काफ़ी सही क्वालिटी लग रही है भाई मेरे को इनकी। दूसरे वाले डीबी लॉन्चर से काफ़ी अच्छा लगा ये। मतलब स्ट्रिंग भी काफ़ी हार्ड है इसकी, और टूटने वाली भी स्ट्रिंग नहीं है, मतलब अलग सी स्ट्रिंग लग रही है थोड़ी सी। बट ये मैंने यूज़ करी है मेरे वाली, तो देखते हैं भाई इसको यूज़ करके। आजा भाई। बाकी मैंने स्टिकर्स कुछ लगा लिए हैं ये, हाँ यहाँ वाले, और बाकी बहुत सारे स्टिकर थे यार, वो वाले मैं नहीं लगाऊंगा भाई, बहुत मुश्किल है वो लगाना, तो मेरे से लगे ही नहीं भाई। और एक और चीज़ आती है गाइस इसके अंदर, ये देख सकते हो ये, इसका अलग से एक ये लेयर है, ये वेट डिस्क लगा लो इसको, मतलब एक टाइप से, तो वेट अलग बढ़ जाता है। मतलब बढ़ता तो कहाँ होगा यार, सेम ही होगा ना एक टाइप से। एक मिनट देख लेते हैं, हाँ सेम ही होगा यार, क्योंकि वेट तो कहाँ बढ़ेगा। बस इसकी ओ शिट, इसकी एक दिक्कत है कि थोड़ा सा टाइट है भाई ये, मतलब टाइट है ये इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ये है भाई, ये इसकी अलग से आती है कुछ, तो इसको भी यूज़ करके देख लेंगे, अभी कर लेते हैं इसको। देखो गाइस, तो मैंने इसको हर एंगल से यूज़ कर लिया, तो भाई मुझे तो ये यूज़ करनी आ नहीं रही, बट आप लोगों को आती हो तो कर लेना यार, क्योंकि मेरे तो बस की बात नहीं है भाई ये। ओके, तो इसको ऐसे लगा लेते हैं फिर से, वैसा ही कर देते हैं इसको जैसा था, ये ऐसा ही ठीक लग रहा था यार। वो पता नहीं यार कहाँ पे यूज़ होती है, कहीं तो होती है ये, लेकिन मेरे को नहीं पता यार कहाँ यूज़ होती है ये, कहाँ होती होगी यार, देख लो यार, मेरे को नहीं पता भाई, हम को नहीं मालूम। तो ये इसकी एक दिक्कत ये है कि ये लूज़ है, लूज़ नहीं मतलब टाइट है, बहुत ज़्यादा ही टाइट है भाई। हाँ अब ठीक है, तो इसको ठोकना पड़ता है जब जाके होता है। बाकी बेब्लेड काफ़ी शानदार और सुंदर लगता है, बट इसकी एक ही दिक्कत है कि ये टाइट जाता है, और इसका मेरे को यूज़ नहीं पता है कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये है स्टेडियम हमारा, ये डीबी स्टेडियम भाई। इस पे डेंट नहीं मतलब निशान पड़ गए हैं एक बार में ही, देखो कितने सारे निशान हैं, रिफ्लेक्शन आ रहा है भाई पे, रिफ्लेक्शन। ओके, अब इसको लॉन्च करके देखते हैं, और देखते हैं कैसा रहेगा ये। 3 2 1 ओ ये, तो भाई कमाल है, धमाल है, धोती पाड़ के रुमाल है। तो ये है लॉन्गिनस, द गिल्टी लॉन्गिनस, जिसका सबको वेट था वो है ये लॉन्गिनस। ओके, तो अभी इसकी कुछ फाइट करके देखते हैं भाई। मतलब शानदार बेब्लेड बना रखा है, बट कुछ कमियां हैं, लेकिन है शानदार। चलो पहले लॉन्गिनस की लॉन्गिनस से कर लेते हैं, ये करते हैं इससे, ब्लडी लॉन्गिनस से गिल्टी लॉन्गिनस की। तो पहले गिल्टी लॉन्गिनस को लॉन्च करेंगे। 3 2 1 ये, ओ ये भाई, ओ ये स्टेडियम बड़ा है तो मजा आएगा, मजा आने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। कमाल है। और हार गया भाई, हारना तो था ही यार, गिल्टी लॉन्गिनस से कैसे जीतेगा ये। फिर से करते हैं गाइस, और मेरे ख्याल से ये बेब्लेड बस्ट भी नहीं होगा। अभी बारी है जूई लॉन्गिनस, ओ ये भाई, बड़े स्टेडियम का मजा ही अलग है यार। यार मजा आ रहा है भाई इनकी फाइट करा के भी। और गाइस दोनों में पहले लॉन्च मैंने ये किया, फिर भी दोनों से जीत गया, दोनों लॉन्गिनस से। तो अभी बारी है एस्ट्रल स्प्रिगन की। एस्ट्रल स्प्रिगन को लेफ्ट स्पिन कर लेता हूँ मैं जल्दी से, नहीं यार छोड़ो यार, राइट स्पिन ही कर लेते हैं इसको, मैं लॉन्चर ले आता हूँ। ओके, लॉन्चर आ चुका है, अभी खेलते हैं इनसे, पहले एस्ट्रल स्प्रिगन को लॉन्च कर लेते हैं, और इनका वेट भी देख लेंगे गाइस कितना है। 3 2 ये क्या था भाई, ये क्या था, फ्री स्पिनिंग हो गई, 1 2 3 ओके इस बार सही लॉन्च हुआ है। 3 2 1 ओ ये भाई, ऊपर ही लॉन्च हो गया सीधा एस्ट्रल स्प्रिगन के। भाई इस बेब्लेड में पावर काफ़ी है, हद से ज़्यादा पावर है, गिल्टी लॉन्गिनस है भाई ये। ओ रुक जा भाई रुक जा। ओके गाइस, तो अगेन 3 2 1 ओ ये, क्या गिल्टी लॉन्गिनस जीत पाएगा, कम ऑन
कम ऑन। नहीं भाई मुश्किल है, बट फाइट काफी चलती है यार, बड़े स्टेडियम में फाइट थोड़ी ज्यादा चलती है। ओ स्टिल स्पिनिंग हो रही है गाइस, स्टिल स्पिनिंग हो रही है, और ड्रॉ कर दिया भाई एंड में आके ड्रॉ कर दिया। अभी करते हैं फैफनियर से, जो कि एक राइट स्पिन है, ये फेक है इसलिए राइट स्पिन है, वैसे लेफ्ट स्पिन होता है ये पेपलेट। 3-2-1 3-2-1 ओ भाई, ओ ये भाई कम ऑन, तोते उड़ाए जा रहे हैं गाइस, कोई कमी नहीं है तोते। और मेरे ख्याल से वेनिस फैफनियर फिर भी थोड़ा सा जीत जाता है। हाँ तो गाइस बताओ यार ये कैसा लगा ये बेब्लेड, गिल्टी लॉन्गिनस काफ़ी सही है, पावर पैक बेब्लेड है, इसकी फाइट करेंगे सारे बेब्लेड से, देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे, और फिर सबसे बेस्ट लॉन्गिनस की भी फाइट करेंगे। एक और लॉन्गिनस होता है वो भी है, उसमें भी कर लेंगे फाइट। चार लॉन्गिनस हो गए मेरे पास, कितने रह गए, अरे हाँ ये मंडे को एक और आ जाएगा ना, रेज लॉन्गिनस आ जाएगा, फिर पांच लॉन्गिनस हो जाएंगे हमारे पास। ओके गाइस तो मेरे ख्याल से आप ट्यूसडे या वेडनसडे को रेज लॉन्गिनस की भी वीडियो मिल ही जाएगी, तो लॉन्गिनस लॉन्गिनस होने वाले हैं गाइस, लॉन्गिनस क्या अभी तो बहुत सारे आने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ जापान से भी मंगा लूँ, भाई जापान से मंगाने का बहुत झंझट है भाई, सच में इतना दिमाग ख़राब होता है ना पूछो मत यार। बस मैं इसीलिए नहीं बताता क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता भाई, कस्टम का पैकेज रुक भी सकता है, पैसे बर्बाद भी हो सकते हैं, बहुत सीन है यार। चलो देखते हैं भाई क्या रहता है उसका, तो उसका मुझे भी कंफर्म नहीं है, बट आ रहे हैं बेबी ब्लिट्स तो फिर भी आ रहे हैं। बाय गाइस अभी के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टाटा।